माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हुई, जब से मैं यहाँ आई मैंने कोई व्लॉग ही नहीं डाला। मैं कल भी सोच रही थी कि कल डालूँ, बट कम हूँ मैं, इंसान बिजी हो जाता है ये वो, तो फिर टाइम ही नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो फिर मैंने आज का सोचा था, आज दिन भर मेहमान आए थे कुछ घर पे, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेहमान आते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो अभी मैं आई थी रूम में रेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे व्लॉग भी तो अपलोड करना है, कुछ दिनों से नहीं, क्या आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैग्स, कुछ जितने मेरे पास हैं मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हमें दिखा दो, तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरह। ओके, तो पीछे से रूम बहुत ज़्यादा मैसी है इस टाइम, क्योंकि मैं जब उठी ना तो मुझे अंदर से लगेज निकालने पड़े, उनमें बैग रखे हुए थे, तो सब कुछ यहाँ से बिखरा हुआ है। तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी क्योंकि तबीयत इतनी वीक लग रही है आज, तो दिन भर थक गए मेहमानों की वजह से, काम बहुत ज़्यादा था घर पर। तो चलो कोई नहीं, मैंने सोचा आप लोग वेट कर रहे होंगे तो मैं व्लॉग बना ही दे दूँ। ओके, तो ये वाला बैग जो है ये आप लोगों ने पहले भी देखा है मेरे व्लॉग्स में और बहुत सारों को पसंद भी आया है। तो ये वाला बैग जो है ना, ये मेरा फेवरेट बैग है, ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसको ले सकते हो, ये मैंने लाया है कुपवारा से, और अंदर से भी इसको बहुत सारे जेब है, यहाँ पे भी एक है इसमें आप अपनी मनी रख सकते हो, और यहाँ पे भी और एक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिसेंट है, और कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मुझे इस टाइप के बैग ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अपनी एज के हिसाब से चलना चाहिए। माना कि शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जैसे बड़ी बड़ी होती ना औरतें, हमारी माँ या कोई बड़ी सिस्टर वो जैसे बैग उठाते, हमें वैसे बिल्कुल नहीं लेने, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हमेशा इंसान को अपनी एज के हिसाब से चलना चाहिए, तो मेरी जितनी एज है मैंने उस हिसाब से अपनी चीज़ें लिए। और बहुत सारों ने मुझे ये भी बोला कि अब आपकी शादी हुई है सब कुछ सूट नहीं होता है, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगे या फिर वही करूँगी, और मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे खुद अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लूँगी। तो अगर आप लोगों की भी एज कम है, मेरी जितनी है, आप लोगों की शादी होने वाली है, तो आप लोग भी ऐसे बैग्स ले सकते हो। तो रहा एक बैग, अब हम चलते हैं दूसरे बैग की तरह। ओके, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा बैग, वो भी छोटा है। मेरे बैग्स जो आपको सारे देखने को मिलेंगे वो सारे छोटे हैं, डिसेंट है। वो जो बड़े टाइप बड़े बैग होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी औरतें उठाती हैं, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं हमेशा छोटे बैग उठा। तो उसके बाद है ये दूसरा बैग, ये भी ये मैंने वैसे एक ही शॉप से लिया है, कुपवारा से। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग सारी अपनी ही डिस्ट्रिक्ट से किया, कुपवारा से ही किया। तो उसके बाद है ये दूसरा बैग, तो ये भी बहुत अच्छा है, डिसेंट है, ये भी आपने कई बार देखा होगा। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है, क्योंकि कभी फ़ोन होता है या कुछ मेकअप की चीज़ें रखनी होती है, तो उसकी वजह से मैंने इसको लिया है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी ले सकते हो, और अंदर से भी इसको बहुत सारे जेब हैं, बहुत सारे, यहाँ पे भी एक जेब है। तो इसका भी मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छा भी है, मटेरियल भी इसका माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा मेरा दूसरा बैग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा ही लाना। ओके, तो अब चलते हम तीसरे बैग का। तो ओके, अब मैं दिखाती हूँ तीसरा बैग, जो कि छोटा सा है, बहुत क्यूट है, डिसेंट है। ये मैंने ऑर्डर किया था, इसको मैंने किसी शॉप से नहीं लाया, इसको मैंने ऑर्डर किया था अपनी शादी पे। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है, अभी मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है, तो ये अभी बंद ही था बैग में। तो अब समर्स आया है तो अब इसका काम है बहुत ज़्यादा, तो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी इसको ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, और
ये भी बहुत क्यूट है, मतलब कभी हमें जल्दबाजी में कहीं जाना पड़ता है तो उस टाइम इंसान सोचा है कि कुछ छोटा ही बैग होना चाहिए जो मैं हाथ में लेके चली जाऊँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है, तो आप लोग भी ले सकते हो। तो ये देखिए मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखा, तो इसके दो जेब हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। वैसे मैंने भी इसको आज तक खोला नहीं है, कभी फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये है एक जेब इसका, इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हो, कुछ भी मेकअप की चीज़ें जो भी होता है, हम गर्ल्स के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी, तो हम ईज़िली इसमें रख सकते हैं, और आप अपना कैश भी रख सकते हो इसमें। ओके, तो उसके बाद है दूसरा जेब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक अपना फ़ोन, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। और पीछे से भी एक छोटू सा जेब है इसको, बहुत ही क्यूट। तो ये बैग वैसे मुझे अपने सारे बैग्स पसंद हैं, और जो भी मैं चीज़ें लाती हूँ मुझे हमेशा अपनी चीज़ें पसंद होती है, सबको पसंद होती है, तो मुझे भी है, ये भी छोटा सा है, बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी इसको ले सकते हो अगर पसंद आया है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ। ओके, जो नेक्स्ट बैग है ना उसके साथ एक इशू हो गया, इशू ये हो गया है, उसकी जो रस्सी होती है ना वो कट गई है, ये देखिए। ओके, तो ये है, और एक ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेट इसको पता नहीं कहाँ से कट हुई है, मैंने अब देखा तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, पिंक कलर का है, ये मैंने अपनी मेहंदी रात पे लिया था नहीं हाँ अपनी मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन शायद मैंने मेहंदी रात पे ही लिया था अपने ड्रेस के साथ, उसके साथ ही मैचिंग था, तो इसीलिए मैंने इसको लाया था। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग भी ले सकते इसको। यहाँ पे पीछे से छोटू सा जेब है, हाँ इसे आप मनी रख सकते हो, तो अंदर से भी काफ़ी बड़ा है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग इसमें कुछ भी रख सकते हो। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी इसको लाना, ये भी मैंने कुपारा से ही ला है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और इसकी पिक्चर्स शायद नहीं, जिस ड्रेस के साथ मैंने इसको लिया था उसकी पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे अपलोड की है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे ज़रूर इंस्टा पे भी फॉलो करना, और मुझे ऐसे ही प्यार देना जैसे मुझे यूट्यूब पे देते हैं। और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना। और ये थे मेरे कुछ बैग्स जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं अपनी ज्वेलरीज पे बनाऊँ कि जो कि मैंने अपनी मेहंदी रात पे ये वेयर की थी, और दूसरा जो शादी का दिन है उस दिन तो गोल्ड लगाते हैं, तो वो सब कुछ नहीं करूँगी शेयर, तो ऑलरेडी मैंने उसकी भी इंस्टा पे पिक्चर अपलोड की है, लेकिन जो मैंने बनवाई थी अपने लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मे बी एक दो दिनों में वो भी आएगा। और हाँ, कैसे लगे आप लोगों को मेरे बैग, तो अगर अच्छे लगे हैं तो आप लोग भी ज़रूर लाना। और अभी मैं यहाँ से जो मैंने ये सब कुछ मैस डाला इसको अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे बिखरा हुआ है, मैंने अपने सारे लगेज अंदर से निकाल दिए, मुझे बैग ही नहीं मिल रहे थे। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़। एक चीज़ तो मैं दिखाना भूल ही गई थी, मुझे लास्ट पे दिखा, और मैंने ये छोटू सा पाउच लिया था, इसको भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी उसके बाद विंटर्स आ गए थे, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो इसको भी आप अपने हाथ में ले सकते हो जब हमें कहीं जाना होगा, तो उस टाइम अगले से इसको भी बहुत सारे जेबें अंदर से, तो आप इसको ईज़िली ले सकते हो। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।